जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स रेडी में। आज हम एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज का वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने 85 फैमिलीज हैं, कितनी 85 मतलब 85 परिवार हैं। अब इनमें से जो है ना 85 फैमिलीज में से एक बार देख लूं, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपके पास टोटल फैमिलीज हैं 85 मतलब 85 परिवार हैं जो कि यूनिवर्सल सेट है। इनमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं 35, मराठी बोलने वाले, मराठी को एम से बता दिए, मराठी बोलने वाले नंबर कितने, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 28, इंग्लिश बोलने वाली नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 32, और हिंदी और मराठी मतलब दोनों कॉमन लैंग्वेज बोलने वाली कितनी है 12 फैमिलीज हैं, हिंदी और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज बोलने वाली 15 फैमिलीज हैं, इंग्लिश और मराठी कॉमन बोलने वाली 18 हैं, और ऐसी फैमिली 5 हैं जो कि तीनों लैंग्वेज को कॉमन बोलती हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ना ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें दो स्टेटमेंट हैं। नंबर एक, ऐसे परिवारों की संख्या पता कीजिए जो कम से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ थ्री लैंग्वेज मतलब तीनों में से कोई एक ना कोई ना कोई एक बोलते हैं। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे परिवारों की संख्या पता करो जो ठीक ठीक एक भाषा बोलते हैं। ठीक ठीक एक भाषा मतलब शुद्ध तरीके से एक ही बोलते हैं, दूसरी नहीं बोलते, ठीक है, दूसरी कोई सी नहीं बोलते। मतलब दूसरे स्टेटमेंट का मतलब है जो ठीक ठीक एक लैंग्वेज बोलते हैं, प्रॉपरली वन लैंग्वेज बोलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अगर हिंदी बोलना है तो वो हिंदी वाला ही, केवल हिंदी वाला, इंग्लिश और मराठी वाला नहीं, और इंग्लिश वाला है तो केवल इंग्लिश वाला, हिंदी और मराठी वाला नहीं, और जो इंग्लिश बोलता है वो केवल इंग्लिश वाला, हिंदी और मराठी वाला नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले स्टेटमेंट में हमें पता करना है, फर्स्ट में क्या पता करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज हु स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज ऑफ दी थ्री लैंग्वेज मतलब तीनों में से कोई एक बोले। तो इसका मतलब हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों का हमें यूनियन पता करना है। क्या पता करना है, यूनियन। तो इसको मतलब यूनियन मतलब सब मिला दो, मिक्स कर दो, ठीक है, मतलब यहाँ ये तीनों का। अब देखो यहाँ पर एक जो ये जो वाला, ये जो पार्ट है आपका बीच का, ये तीनों का कॉमन है, तीनों का ये कितना है 5 है, कितना है 5, तीनों का कॉमन पार्ट कितना है 5। तो जब हमें ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है, जब तीन सेट आ जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है कि एन एच यूनियन एम यूनियन ई, ठीक है, एट मतलब हिंदी मराठी और इंग्लिश में से कम एक भाषा बोलने वाले परिवारों की संख्या, तो एन एच बोलने वाले प्लस एन मराठी बोलने वाले प्लस एन इंग्लिश बोलने वाले, इनमें से माइनस कर दो कॉमन कॉमन पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट का मतलब कॉमन पार्ट हटा दो, उसके बाद तीनों का कॉमन पार्ट जोड़ दो। तो कैसे, एन एच इंटरसेक्शन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई, एम इंटरसेक्शन ई माइनस का एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और मराठी कॉमन बोलने वाले, सॉरी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी मराठी वाला तो हो ही गया, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें टोटल कर दो तीनों का जो कॉमन पार्ट है ये, ठीक है, एन एच इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई, ये वाला। अगर तीन सेट दिए हो तो ये फॉर्मेट अपन अपनाते हैं, एन एच यूनियन एम यूनियन
ई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये निकालना हो तो क्या करते हैं, NH माइनस NE, NM माइनस NE में से घटा दो तीनों के कॉमन पार्ट और जोड़ दो। देखो तीनों के कॉमन पार्ट का मतलब है दो, एटलीस्ट दो के, दो का, दो का, ठीक है। फिर तीनों में जो कॉमन है वो आप इसमें जोड़ दो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकलता है। तो NH हमारे पास कितना है, 35, 28, 32 और हिंदी मराठी का कॉमन कितना है, 12। मराठी इंग्लिश का कितना है, मराठी इंग्लिश का 18 है और हिंदी इंग्लिश का कितना है, 15 है और टोटल तीनों का कितना है, 5। इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 और 5 15 की 5 हासिल 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 95 हो गए प्लस 100 हो गए टोटल प्लस के। देखो 1 2 3 और ये इनको जोड़ें तो 100 हो रहा है। माइनस ये कितना हो रहा है, 12 और 18 30 30 और 15 45, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 55। यानी 55 ऐसे परिवार हैं जो कम से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि केवल हिंदी बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले और केवल हिंदी बोल मराठी बोलने वाले ऐसे परिवार कितने हैं जो कम से कम एक, मतलब एक ही भाषा बोलते हैं, दूसरी नहीं बोलते हैं। तो इनका टोटल करना है, ठीक है। तो ऐसा परिवार हमें टोटल करना है जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक ठीक एक भाषा अवश्य बोलते हैं। तो देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट इसको रफ करके। तो दूसरे स्टेटमेंट को करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि कम ठीक ठीक केवल एक भाषा अवश्य बोलते हैं ऐसे लोग, ऐसे परिवारों की संख्या पता करना है। तो ठीक ठीक मतलब केवल हिंदी या केवल और केवल मराठी और केवल इंग्लिश, ऐसे लोग, ऐसे परिवारों की संख्या में पता करना। तो देखो केवल हिंदी का मतलब होता है जो केवल हिंदी बोलते हों, इंग्लिश और मराठी नहीं। तो देखो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो हिंदी बोलने वाले थे टोटल, जो हिंदी वाले बोलने वाले टोटल थे उनमें से हिंदी और इंग्लिश, जो थोड़ी सी इंग्लिश बोलते थे, हिंदी वालों में से जो थोड़ी सी मराठी बोलते थे, वो दोनों चीज़ें हटा देंगे और तीनों का कॉमन पार्ट एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, केवल हिंदी बोलने वाले, केवल मराठी बोलने वालों में से मराठी और हिंदी वाले कॉमन, मराठी इंग्लिश वाले कॉमन को घटा के और तीनों का टोटल, तीनों का कॉमन जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश वालों के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश वालों में से इंग्लिश और हिंदी जो कॉमन बोलते हैं उनको, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ जो मराठी बोलते हैं उनको हटा दिया जाएगा, तो केवल केवल इंग्लिश वाले बच जाएंगे और जोड़ देंगे क्या उसमें, तीनों का कॉमन। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो NH कितना हमारे पास 35 है प्लस, सॉरी माइनस E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E कितना है, 15 है और माइनस का H और H के साथ M कितना है, मराठी वाला 12 है प्लस तीनों का कॉमन 5 है प्लस इसके बाद ये चीज़ NM यानी कि 28 माइनस MH, MH का कॉमन कितना है MH का कॉमन है 12, ठीक है। माइनस ME का कॉमन कितना है, ME का कॉमन 18 है प्लस का 5, ठीक है। इसके बाद केवल इंग्लिश वाले कितने हैं, इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं, टोटल 32 हैं। इनमें से इंग्लिश के साथ जो हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं, इंग्लिश के साथ हिंदी बोलने वाले 15 हैं, वो माइनस कर देंगे और इंग्लिश के साथ जो मराठी बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 18 हैं, इनको भी माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 5। तो आप देखिए कितने क्या क्या जुड़ रहा है, 35 और आपका जो है 35 28 32, ये अलग कर दो, 5 तीन बार है, 1 2 और 3, इनको साथ में कर दो, ठीक है। तो 35 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, वो 5 3 15 तो पहले ही लिख दो, ठीक है, 5 5 5 जुड़ गए, फिर 28
28 और 32 हो गया, 28 और 32 अगर हम देखें तो 60 हो रहा है, 60 और 35 95, ठीक है। और फिर देखते हैं हम 12, 15 देखो दो बार है तो माइनस 2 इंटू 15 माइनस, 12 भी दो बार है 2 इंटू 12, ठीक है। और आपका और क्या दो बार है, 18 भी आपका दो बार है देखो, तो माइनस 2 इंटू 18, इसको देखते हैं कितना हो रहा है 15, और ये टोटल अगर करते हैं तो कितना हो रहा है 95 और 15 100 110, और माइनस का 30 माइनस का 24 और 36, ठीक है। तो 24 और 36 हो गया 60, 60 60 और 30 90, तो 110 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20। तो 20 ऐसे लोग हैं जो केवल ठीक ठीक एक भाषा बोलते हैं, मतलब केवल एक भाषा बोलते हैं, ऐसे जो कि केवल हिंदी बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल मराठी बोलते हैं, ऐसे टोटल कितने हैं, 20 फैमिलीज हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 400 लोग ऐसे हैं, 400 पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एटलीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, या तो फिर दोनों ही बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से कम एक बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कम से कम, यानी कि या तो हिंदी या इंग्लिश या दोनों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है यूनियन। तो यूनियन दिया है हमारे पास 400, हिंदी बोलने वाले कितने हैं टोटल, हिंदी बोलने वाले 250, जो इनमें जो है ना हिंदी और इंग्लिश जो थोड़ा दोनों कॉमन बोलते हैं वो भी रहते हैं, तो कहलाएंगे तो हिंदी वाले ही, ठीक है। और 200 है इंग्लिश बोलने वाले, इनमें भी हिंदी और इंग्लिश वाले कॉमन होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें वेन डायग्राम के हिसाब से, तो ए और ये बी, तो इनका यूनियन कितना हमारे पास, यूनियन है 400, ठीक है। और कॉमन पार्ट हमें पता करना है, तो हमें नहीं पता तो हमने क्या कह दिया, एक्स है और सॉरी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, एच और ई, एच और ई दो सेट हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों के सेट। तो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं 250, और इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं 200। अगर हम हिंदी बोलने वालों में से कॉमन पार्ट हटा देंगे, तो कॉमन पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट इतना हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, यानी एक एक्स का मतलब क्या है, एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हटा देंगे, यानी कि 250 माइनस एक्स अगर हम करते हैं, तो 250 माइनस जो एक्स होगा वो क्या होगा, 250 माइनस एक्स आपका ये होगा केवल हिंदी, केवल हिंदी, ठीक है। इसको मैं रेड से ही बता देता हूँ, 250 माइनस एक्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कौन से की, अगर हम बात करते हैं केवल इंग्लिश वालों की, तो केवल इंग्लिश वाले इतने हैं, ठीक है। तो इनको कैसे बताएंगे, 200 में से माइनस कर दो आप x, तो पता चल जाएगा केवल इंग्लिश। और आप देखो दो केवल हिंदी वाले और केवल कॉमन और केवल इंग्लिश वाले, जब हम टोटल कर देंगे ये कॉमन पार्ट और ये केवल हिंदी केवल इंग्लिश वाला पार्ट अगर जुड़ जाता है, ये वाला इतना रेड और ये ब्लैक वाला और आपका ये केवल इंग्लिश वाला, अगर ये जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, यूनियन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 250 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस का एक्स, ठीक है। ये देखो 250 माइनस एक्स यानी कि केवल हिंदी के, केवल कॉमन और केवल इंग्लिश के, इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन हिंदी और इंग्लिश के यूनियन, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, 250 और ये कितना हो जाएगा 450 और माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना है 400 है, ठीक है। तो 400 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, 450 माइनस का 400 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई, मतलब क्या आ गया आपके पास, आ गया n हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है।
ये वाला पार्ट आ चुका है, ठीक। तो ये अब हमें क्या चाहिए, दो इसमें स्टेटमेंट और हैं, एन केवल हिंदी, ओनली हिंदी मतलब ओनली एच का मतलब केवल हिंदी, तो हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली हु स्पीक ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, ठीक है। ऐसे लोगों की संख्या जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में से टोटल हिंदी में से कॉमन पार्ट हटा देते हैं। NH मतलब ये टोटल हिंदी वाले हैं, इनमें से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं कॉमन, तो उनको हम हटा देते हैं। NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो इसको X भी बोल सकते हैं। NH कितना हमारे पास 250, माइनस का कॉमन पार्ट कितना आया 50, ये हटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास 200। ये आंसर नंबर सेकंड आ गया। अब देखते हैं हम क्या थर्ड वाला जो है जिसमें बोला गया है ऐसे लोग जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वाले, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश यानी ऐसे लोग जो केवल इंग्लिश बोलते हों, तो ऐसे के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंग्लिश बोलते हैं टोटल वो देखो जो इंग्लिश बोलते हैं, और इनमें से हटा दो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉमन वाले, तो हिंदी और इंग्लिश के कॉमन पार्ट को हम हटा देंगे, यानी जो दोनों ही बोलते हैं वो हटा दो, तो केवल इंग्लिश वाले बचेंगे ना, इंग्लिश में से हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों कॉमन हटा दो तो वो केवल क्या बचेंगे, इंग्लिश वाले। तो ये कितने 200 थे, माइनस का 50 जो कॉमन है तो बचेगा 150, यानी 150 ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ये आपके फॉर्मूले से एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस का एन एच इन यूनियन एफ और सॉरी ई, इससे भी आप निकाल सकते थे, वही निकलेगा। देखो ये 250 है, ये 250 और ये 200 है और ये माइनस का 400 है, तो टोटल कितना आपका 50 आएगा, ठीक है। ये दोनों ये फॉर्मूले से है और ये आपका बेसिक कंसेप्ट इसके वेन डायग्राम से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 13, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास जो है एक सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट कितने हैं 5 और एक सेट है वाई जिसमें एलिमेंट कितने हैं 7। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम इन दोनों का यूनियन कितना होगा, मैक्सिमम यानी यूनियन में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे और यूनियन में कितने मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए इसका मैक्सिमम होने के लिए, इसका मैक्सिमम यूनियन का मैक्सिमम होने के लिए इसका इंटरसेक्शन जितना कम होगा यूनियन उतना ही ज़्यादा होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनली यानी व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये जितना ज़्यादा होगा तो ये कब होगा, जब आपका ये मिनिमम होगा, और इसके मिनिमम होने के लिए क्या ज़रूरी है, इसके मिनिमम होने के लिए ज़रूरी है कि इसका इंटरसेक्शन कैसा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है, और मैक्सिमम होने के लिए ज़रूरी है कि इसका इंटरसेक्शन मिनिमम हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है, मैक्सिमम के लिए यूनियन ज़रूरी है कि इंटरसेक्शन का मिनिमम कम से कम होना, और यूनियन के मिनिमम होने के लिए ज़रूरी है कि इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसका दोनों का जो इंटरसेक्शन है तो वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर ये निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट। तो पहला क्या कह रहा है, एन एक्स यूनियन वाई का मैक्सिमम, तो इसके लिए फॉर दिस इसके लिए n
एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? जीरो होगा भैया। मतलब कि इंटरसेक्शन वाले जो आपका सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, इसके लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें जीरो होते हैं, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता, वो सेट क्या कहलाता है? खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। तो इसका जो सेट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 5। ठीक है, अब अगर हम इसमें मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे? n, हमारे पास फॉर्मूला है n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। इनमें वैल्यू रख दो तो इसमें मतलब कॉमन पार्ट हट ही जाएगा। जब ये हट जाएगा कॉमन पार्ट, तो आपका यूनियन मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अब हम इसकी जगह लेके आते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम लेकर आते हैं तो एन एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 7। तो भाई साहब ये हो जाएगा बिल्कुल जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट एम्प्टी सेट रहेगा तो उसमें कितने हो जाएंगे? जीरो। तो 7 5 12, मैक्सिमम यूनियन कितना होगा? 12। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मिनिमम। एन मिनिमम के लिए एक्स यूनियन वाई का मिनिमम चाहिए हमें, मिनिमम एकदम कम। तो एकदम कम चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम इंटरसेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास यूनियन कितना आया? 12 है। देखो यहां पर देखो ऐसे में यूनियन हमारा कितना है? 12 है। अब हमें मैक्सिमम पार्ट चाहिए कॉमन का। देखो कॉमन का मैक्सिमम पार्ट ये है, ठीक है, ये है कॉमन का मैक्सिमम पार्ट। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा कॉमन है अभी, सॉरी, मैक्सिमम पार्ट का मतलब है पूरा ही कॉमन होना चाहिए, पूरा। तो ऐसा कब होता है? जब ये वाली कंडीशन हो, मतलब x के अंदर ही क्या हो? y हो। x के अंदर ही y हो तो पूरा का पूरा y कॉमन है x के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जो आपका y है वो सबसेट होना चाहिए किसका? x का, फुल। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट यानी पूर्ण रूप से उपसमुच्चय होना चाहिए, उसके ही अंदर हो जाएगा। तो मैक्सिमम पार्ट कॉमन हो जाएगा दोनों का जब वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? इस कंडीशन में होना चाहिए कि x जो है वो y का क्या होना चाहिए? सबसेट। x हो चाहे y हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, x जो है, y जो है वो x का होल सबसेट होना चाहिए, पूर्ण सबसेट होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट क्या रहेगा? अभी दोनों का कॉमन पार्ट है क्या? नहीं है। तो दोनों का, इस कंडीशन में दोनों का कॉमन पार्ट क्या होता है? 5। जो y में होगा वही दोनों का कॉमन है ना, y ही तो दोनों का कॉमन है। तो y कितना हमारे पास? y है हमारे पास 7 है, और क्या पता करना था हमें? हाँ, तो बड़ा वाला अंदर नहीं हो सकता, छोटा वाला अंदर होगा। छोटा वाला छोटा हो सकता है बड़े का सबसेट। तो बड़ा क्या है? y, और छोटा है आपका x। तो x अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो x पूरा का पूरा अंदर हो जाएगा। तो इसको मैं उल्टा करूंगा, x जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका? y का, क्योंकि y बड़ा है, y 7 है, और x छोटा 5 है। तो देखिए दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट आप ये देखिए, केवल और केवल x है, केवल और केवल x, क्योंकि x पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया? y के अंदर। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम आपका, देखो इसको मिनिमम चाहिए तो n x इंटरसेक्शन देन, यानी तब x इंटरसेक्शन y मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो कितना होगा मैक्सिमम? ये वाला सिस्टम, x
सबसेट ऑफ वाई मैक्सिमम, इसको हटा देता हूं मैं, इसके लिए मिनिमम के लिए मुझे इसका, इन दोनों के मिनिमम के लिए इन दोनों का ही इंटरसेक्शन का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो इनका मैक्सिमम पार्ट कितना है, कॉमन कितना है सबसेट, वो है आपका दोनों का मतलब देखना है सबसेट। तो x सबसेट ऑफ y, तो कितना सबसेट है, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट कॉमन क्या है, वो है आपका यार। देखो बेटा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है आपका आप देखते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा अब देखते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, x और y का जो है ना यूनियन का मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा और कितना होगा। तो इसके मिनिमम के लिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए, इसके लिए n x इंटरसेक्शन y मैक्सिमम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है तो देखते हैं, देखो इंटरसेक्शन यानी कॉमन मैक्सिमम कब होगा, जब छोटा बड़े के अंदर हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा छोटा भाग जो है वो बड़े के अंदर हो जाएगा, तो दोनों का कॉमन मैक्सिमम हो जाएगा। इस कंडीशन में देखो बाय बाहर, बाय क्योंकि बड़ा है, देखो बाय बड़ा है और एक्स अंदर, एक्स क्योंकि छोटा है। तो देखो अगर हम देखें तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये एक्स ही हो गया, कॉमन पार्ट क्या हो गया एक्स, और वो कितना है पाँच। ठीक है ये पाँच और ये पूरा बाहर सात, तो दो एलिमेंट बाहर वाले में बच जाएंगे, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉमन पार्ट। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम कॉमन की, जब भी बात हो तो याद रखना मैक्सिमम कॉमन के लिए छोटा वाला मैक्सिमम कॉमन होता है, वो भी कब, जब छोटा वाला बड़े का सबसेट हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि एक्स जो है वो बाय का पूर्णतः सबसेट हो, पूरी तरीके से सबसेट हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका x जो है वो y का सबसेट होना चाहिए और x इंटरसेक्शन y मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके मैक्सिमम के लिए एक कंडीशन, देखो इसके मिनिमम और इसके मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये है। तो देखते हैं इसका मैक्सिमम पार्ट कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा x इंटरसेक्शन y का मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा क्या, पाँच, यानी कि कॉमन पार्ट देखो पाँच हो गया ना, तो कॉमन पार्ट हो जाएगा पाँच। अब हमें चाहिए ये, तो हम यहाँ निकाल देते हैं x यूनियन y का मिनिमम इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस कर दो इसमें से क्या n x और y का इंटरसेक्शन वो भी मैक्सिमम वाला। तो ये कितना है हमारे पास, पाँच प्लस सात माइनस का इंटरसेक्शन कितना है पाँच, तो ये खत्म, तो कितना बचा आपका सात। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे जो जो हमारा बाय है उसमें से अगर मैं टोटल हाईएस्ट कॉमन हटा दूं, केवल बाय में से हाईएस्ट कॉमन हटा दूं, तो मेरे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा आपका यूनियन, मैक्सिमम यूनियन आ जाएगा। इस कंडीशन में यूनियन क्या कहलाएगा, पूरा फुल, जिसमें आपका इंटरसेक्शन भी आ गया। ठीक है तो अगर मैं इंटरसेक्शन हटाता हूं तो मैक्सिमम मिनिमम यूनियन आ जाएगा, मैक्सिमम इंटरसेक्शन हटाने पर मिनिमम यूनियन आ जाएगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी मुझे मिनिमम यूनियन चाहिए, मिनिमम यूनियन चाहिए, तो उसमें से मैक्सिमम इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, मैक्सिमम ये वाला हटा दो तो मिनिमम यानी कम से कम यूनियन बच जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर ये मैंने कुछ डेटा लिखा है, यहाँ पर देखो ये जो 40 है ये नंबर ऑफ मेडल्स हैं फॉर फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है मतलब कि हमारे पास टोटल जो है वो 60 मेडल्स जो है ना एटलीस्ट बांटे गए, 60 मेडल में से ऐसे हैं 60 मेडल जो हैं वो कैसे हैं, कम से कम फुटबॉल के लिए या फिर क्रिकेट के लिए या फिर वॉलीबॉल के लिए 60 मेडल
बांटे गए, यानी एटलीस्ट एक के लिए जरूर बांटे गए, ज्यादा से ज्यादा दोनों के लिए और ज्यादा से ज्यादा तीनों के लिए, ठीक है समझ गए, ज्यादा से ज्यादा दोनों के लिए और या फिर तीनों के लिए। इसका मतलब ये होता है, इसका क्या मतलब होता है, या तो अकेले फुटबॉल वालों के लिए 60 पूरे दे दिए, या फुटबॉल और वॉलीबॉल वालों के लिए पूरे दे दिए, या फुटबॉल वॉलीबॉल और क्रिकेट वालों के लिए 60 दिए हैं, मतलब एटलीस्ट वन मेडल किसी ना किसी के पास पहुंचा है 60 में से, ठीक है। तो हम यहां पर जो है हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने लोगों को तीन में से ठीक ठीक दो मेडल दो खेलों के लिए मिले हैं, मतलब कि कितने लोगों के लिए ठीक ठीक दो खेलों के लिए मेडल मिले हैं, मतलब कि या तो फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए, या वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए, या फिर फुटबॉल क्रिकेट के लिए, ठीक है, मतलब और तो हमें पता करना है ये एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। देखो हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों को मेडल मिले हैं जो कि फुटबॉल और वॉलीबॉल खेले हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेले हैं, और वॉलीबॉल और क्रिकेट सभी के लिए ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक या दोनों, एक और दोनों मेडल मिले होंगे, ऐसे कितने लोग हैं जिनको दो मेडल मिले हैं, कितने दो खेलों के लिए मेडल मिले हैं, तो वो ये होंगे, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसको पता करने का हमारे पास फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमारे पास है एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, तो इसके लिए आगे क्या फॉर्मूला है, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी तीनों को जो मिले हैं उनको जोड़ दो और उनमें से दो दो के हटा दो कॉमन वाले, एन एफ बी का कॉमन माइनस एन बी सी का कॉमन माइनस एन एफ और सी का कॉमन, यानी तीनों के कॉमन हटा दो और जोड़ दो, क्या देखो तीनों के दो दो करके कॉमन हटा दो और जोड़ दो इसमें तीनों का होल इंटरसेक्शन एफ बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, इसको हम ऐसे निकालते हैं, तीन अगर सेट हैं तो तीनों सेटों के टोटल एलिमेंट्स को जोड़ दो, दो दो करके एलिमेंट्स को घटा दो, ठीक है, और तीनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको जोड़ दो, तो एन एफ हमारे पास कितना है 40 है, 15 प्लस 18 माइनस इनमें से क्या क्या चीजें हमारे पास, ये है 60, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन नहीं बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और प्लस का एन तीनों का कॉमन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये 60 है हमारे पास, और इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58 और 73, ये टोटल माइनस का, ये जैसे कहते हैं इनमें से माइनस कॉमन लिया, क्या बचा एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और प्लस का तीन और क्योंकि तीन तीनों में कॉमन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हमें पता क्या करना है, ऐसे लोगों की संख्या पता कर लो पहले जिन्होंने दो गेमों में मेडल लिए हो, तो दो गेमों में मेडल लिए हैं, या तो वो फुटबॉल और ऐसा तो उसने पर्टिकुलर नाम लेके तो नहीं बताया कि फुटबॉल और वॉलीबॉल में लिए, या फुटबॉल क्रिकेट में लिए, या फुटबॉल और क्रिकेट में वॉलीबॉल और क्रिकेट में लिए, उसने ये बोला कि केवल दो खेलों में सॉरी दो खेलों में मेडल पाए हों, ठीक है, तो दो खेलों में मेडल पाने वाली की पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, हो सकता है वो दोनों खेल जो है फुटबॉल और वॉलीबॉल हो सकता है दोनों खेल फुटबॉल और क्रिकेट हो सकता है दो खेल वॉलीबॉल और क्रिकेट हो, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, एन
एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनके ऐसे कितने होंगे, देखो 73 और 3 कितना हो जाएगा 676, 76 में से माइनस कर देंगे 60, तो क्या हो जाएगा ये आपका बच्चे का कितना 16। तो 16 ऐसे लोग होंगे, 16 ऐसे पीपल होंगे जिन्होंने दो खेलों में मेडल लिए होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को पता करो जिन्होंने केवल दो में पाए हो, तीसरे में ना पाए हो। तो ये क्या है, 16 जो आया क्या ये आंसर नहीं है? नहीं, ये आंसर नहीं है। 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो मेडल पाए होंगे और ज्यादा से ज्यादा तीनों पाए होंगे। 16 में कॉमन पार्ट भी है, कॉमन पार्ट। तो हम क्या करेंगे, 16 में से कॉमन पार्ट हटा देंगे। किस किस का, इसके लिए कॉमन हटा देंगे, इसके लिए, इसमें से कॉमन जाएगा और इसमें से भी कॉमन जाएगा, तो तीनों में से कॉमन हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु गॉट ओनली टू मेडल्स, मेडल्स को हम एम से बता रहा हूं, हु गॉट मेडल ओनली टू गेम्स, ऐसा लिखना पड़ेगा। मेडल के लिए मैं कैपिटल एम से बता देता हूं, हु गॉट मेडल इन ओनली टू गेम्स, इसको हमें पता करना है। इसका मतलब क्या है, ओनली टू गेम्स का मतलब है, देखो टू गेम्स तो आपके क्या होगा 16, और ओनली लग जाए तो इसका मतलब इसमें से कॉमन हटा दो, तो कितनी बार हटाएंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो कॉमन मतलब जो दो गेमों में पाए हैं उन लोगों में से हटाना है तीन बार कॉमन। तो तीन बार कॉमन कौन है, तीन ही है, तो कितना 16 - 9 यानी कि 7 आपका आंसर होगा। 7 मतलब 7 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने केवल और केवल दो में मेडल पाए होंगे, तीसरे गेम में नहीं पाया होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये क्वेश्चन कैसा है कि 200 लोग हैं टोटल, यानी कि यूनिवर्सल सेट कितना है हमारा 200 का, ठीक है, 200 लोग हैं, U इक्वल टू कितना 200, ठीक है। अब हमारे पास 200 लोगों में से ये C1 और C2 क्या है, केमिकल, दो टाइप के केमिकल है। C1 केमिकल से जो डिसीज, C1 केमिकल से जो डिसीज या कह सकते हैं जो पीड़ित लोग हैं वो है 120, और जो C2 से इन्फेक्टेड है वो क्या है 50 है, और जो दोनों से ही कॉमन इन्फेक्शन है वो कितना है आपका 30। अब ये पता करो कि कितने लोग केवल C1 से हैं C2 से नहीं, और कितने लोग C2 से हैं C1 से नहीं, और कितने लोग C1 या C2 से हैं, ठीक है, पीड़ित या से कह सकते हैं इन्फेक्टेड। तो देखिए मैं आपको पहले वेन डायग्राम से समझा देता हूं, ये C1 है और ये C2 है, और इनका यूनियन जो है वो हमें नहीं पता। कॉमन पार्ट हमारे पास है कितना, कॉमन पार्ट उन्होंने दिया है 30, ठीक है, और जो हमारे पास ये है C1 वाले कितने हैं 120, ठीक है, और C2 वाले कितने हैं हमारे पास 30। तो अगर हम ओनली C1 वाले देखें, ओनली C1 वाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली C1, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 में से C2 वाले, या कह सकते हैं C1 और C2 के कॉमन हटाना पड़ेंगे, ठीक है। तो C1 कितना हमारे पास 120 माइनस कॉमन कितना है 30, तो हो जाएगा कितना 90 पीपल ऐसे हैं जो केवल C1 से हैं C2 से नहीं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंड C1 माइनस C2, ठीक है। अब ओनली C2 से इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो C2 से हैं C1 से नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एन C2 माइनस इन दोनों का कॉमन, C1 इंटरसेक्शन C2, तो C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C2 टोटल है कितना 30 है, 50 है, ठीक है।
C2 मतलब केमिकल C2 से इन्फेक्टेड टोटल कितने हैं 50, तो ओनली C2 से क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप कॉमन वाला पार्ट हटा दो तो केवल C2 से बचेंगे, यानी 50 में से आप 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 20। 20 ऐसे लोग हैं जो केवल C2 से इन्फेक्टेड हैं। और अब हमें देखना है जो तीन मतलब C1 या C2 से या दोनों से, तो ऐसे कितने लोग हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है यूनियन। तो आप देखो 90 हो गए केवल C1 वाले 90, ठीक है, और केवल C2 वाले कितने हैं, केवल C2 वाले हैं आपके पास कितने, केवल C2 वाले हैं 50 माइनस 30 यानी कि 20। तो अब आप 90 यानी केवल C1 वाले, 30 कॉमन वाले और 20 केवल C2 वाले आप जोड़ दोगे तो आपके पास यूनियन भी आ जाएगा। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं C1 यूनियन C2 क्या क्या, 90 प्लस कॉमन पार्ट 30 प्लस केवल C2 वो है आपके पास 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140। ये तो आपका वेन डायग्राम से बता दिया। आप देखो फॉर्मूले से देख लो, हमारे लिए पहले ये पता करना है, सॉल्व करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट पार्ट NC1 बट नॉट C2, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा NC1 में से माइनस करना पड़ेगा NC1 और C2 का कॉमन पार्ट, तो ये कितना हमारे पास 120 माइनस 30 यानी कि अपने पास 90 बचेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या, NC2 ओनली C2 के लिए C1 माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए NC2 में से माइनस कर दो क्या दोनों का कॉमन, C1 कॉमन C2, तो NC2 हमारे पास 50 से माइनस का 30 कर देंगे तो 20 ऐसे हैं जो कि C1 और C2 दोनों से इंफेक्टेड है। तीसरा NC1 और यूनियन C2 यानी कि ऐसे लोग जो C1 या C2 से हैं या दोनों से हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा NC1 प्लस NC2 दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो NC1 इंटरसेक्शन C2, तो C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 120 प्लस C2 के 50 और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 170 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 140। देखिए आप दोनों से ही आपका एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है, 90, 20 और 140 आपके पास, सॉरी ये 140, ठीक। इस तरीके से हम 15वां क्वेश्चन भी कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वेरी मच, आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए पूरा वीडियो। जय हिंद।